नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। लाइव सिटीज आपको बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर सबसे सटीक रुझान दे रहा है। और जो भी बड़ी खबर निकल करके आ रही है सुपौल से, सुपौल में कांग्रेस कैंडिडेट रंजीत रंजन पीछे चल रही है, दिलेश्वर कामत आगे निकल चुके हैं और काफी आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि दिलेश्वर कामत जो है उनको 37,509 वोट मिले हैं और रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं उनको 18,916 वोट मिले हैं। ये सुबह 10 बजे तक का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुल मिला करके 19,000 वोटों से दिलेश्वर कामत आगे चल रहे हैं। और सुपौल में जो लड़ाई है वो बीजेपी के बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। सुपौल में लगातार पप्पू यादव भी प्रचार प्रसार कर रहे थे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे हुए थे और रंजीत रंजन के लिए वोट मांग रहे थे। लेकिन जिस तरह से रुझान चल रहा है सुबह 10 बजे के जो शुरुआती रुझान है उसमें एनडीए काफ़ी आगे निकलते दिखाई दे रही है। दिलेश्वर कामत 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, रंजीता रंजन पीछे चल रही हैं। पटना की बात करें तो पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर भी एनडीए आगे चल रहा है। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं, वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से पहले मीसा भारती आगे चल रही थी लेकिन अब रामकृपाल यादव जो कि बीजेपी कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो सुपौल से आ रही है। सुपौल में रंजीता रंजन पीछे चल रही है और दिलेश्वर कामत जो कि 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लाइव सिटीज आपको जो गर्म सियासत है उसकी सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहा है। आप बिहार की सभी लेटेस्ट खबरों के लिए livecities.in पर विस्तार से पढ़ने की जाए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी लाइक करें।